देखें तो मौलिक अधिकार हमारा टॉपिक चल रहा था, और मौलिक अधिकार के टॉपिक में हम सात मूल अधिकार जो प्रारंभ में वर्णित थे उनमें से एक मूल अधिकार 44 में संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, कौन सा? संपत्ति का मूल अधिकार। ये अनुच्छेद 31 में था जिसे हटा दिया गया 44 में संविधान संशोधन के तहत, और वर्तमान में ये रखा गया है अनुच्छेद 300 के में, ये आगे आ जाएगा। तो एक मूल अधिकार हमारा कंप्लीट हो चुका है, समानता का मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 14 में हमने बता दिया विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में हमने बता दिया सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, यानी राजा महाराजा जैसी कोई भी उपाधि ना तो धारण की जा सकती है ना किसी को कोई प्रदान कर सकता है, लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ये उपाधियां दी जा सकती हैं। इसके बाद आज हम चलते हैं कौन से मूल अधिकार पर? दूसरा। तो देखिए इसमें से ये हमारे मूल अधिकार हैं, ये इनमें से हटा दिया गया, 6 ही बचे। तो अब नंबर 2 चलेंगे हम कौन से मूल अधिकार पर? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, देखिए अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इस स्वतंत्रता के मूल अधिकार में हम देखेंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 19, देखो ये जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। कितने प्रकार की? आज कितने प्रकार की है? 6, क्योंकि एक इसमें से भी हटी है। तो कौन सी हटी है उसमें हमें देखना है। तो अनुच्छेद 19 के तहत देखें तो इस मूल अधिकार के तहत वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जिनमें 15, 16, 19, 29 और 30, उनमें से अब देखो 19 में बात हो रही है तो केवल भारतीयों के लिए है। तो वर्तमान में इस अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जबकि प्रारंभ में इनकी भी संख्या कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, तो एक इनमें से भी हटी है। तो इनका क्रम याद रखना है अपन को, ये चीज ध्यान से सुन लेना बस। देखे इसमें नंबर 1 देखेंगे तो अनुच्छेद 19 ए, हम ए बी सी डी ई एफ जी एच ए चलेंगे, 7 करनी है, 6 रहेंगी, 1 हटेगी, है ना। तो अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 ए में क्या दे रखा है, कौन सी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 ए में? तो देखो अनुच्छेद 19 ए में स्वतंत्रता दे रखी है बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समझते चलना है कि अनुच्छेद 19 ए के तहत भारतीय नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कि मैं अपने मन की बातों को किसी के भी सामने पेश कर सकता हूं, मुझे अधिकार है कि मैं प्रधानमंत्री को उसकी जो कोई गलत बात है तो मैं उस तक पहुंचा सकता हूं, मैं राष्ट्रपति के खिलाफ यानी कि अगर कोई गलत बात है तो वहां तक अपनी पहुंचा सकता हूं। इसे अपन सीधे शब्दों में देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता कह सकते हैं। आपने मीडिया वाले देखे, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो, कोई मतलब नहीं, उनको स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है बोलने एवं अभिव्यक्ति की, अपने मन के विचारों को पेश करने की। तो इसे हम क्या भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह दो, या इसे क्या कहते हैं अपन, प्रेस की स्वतंत्रता कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखो दूसरे नंबर की आ जाएगी कौन सी, अनुच्छेद 19 बी। अनुच्छेद 19 बी में देखे कौन से प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 बी के तहत दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है कौन सी, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक, हम मिल जाए आपस में और हम यहां से चलते पर्यावरण के ऊपर कोई सम्मेलन करेंगे और हम यहां से रैली निकालते हुए चलते हैं, प्रशासन का उल्टा, हमें सहयोग मिलेगा क्योंकि हम वो सम्मेलन किस तरीके से करने जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम सम्मेलन करने जा रहे हैं तो प्रशासन का, हमें कानून का, हमें सहयोगी मिलना है। और अगर हम अशांतिपूर्ण तरीके से करेंगे कि हम जा रहे सब पर्यावरण सम्मेलन करवे
और हाथों में ले रखी है तलवारें हैं, और दो चार तो बंदूकों ने ठाए ठाए करते हुए चल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो रे, कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करवे। ठीक है, तो वहां कानून का सहयोग नहीं, वो उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है, ये क्रम ध्यान रखने, यही पूछे जाएंगे। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ऑप्शन ये आएंगे 19A B C D ऐसे। अनुच्छेद 19B के बाद देखे कौन सा आ जाएगा, 19C। अनुच्छेद 19C में कौन सी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19C में हमें स्वतंत्रता मिली हुई है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ध्यान रखना कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी कमेटी का गठन कर सकता है, कोई भी पार्टी का गठन हो सकता है। अरविंद केजरीवाल महोदय ने आंदोलन ही आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसी में से किसका गठन कर दिया, आम आदमी पार्टी का गठन हो गया। हम लोग मिल जाए किसी भी संघ का गठन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी पार्टी बनाई जा सकती है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19C के तहत। अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19D में क्या दे रखा है, देखो अनुच्छेद 19D में दे रखा है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से, निर्बाध मतलब बिना रोक टोक, निर्बाध रूप से या बेरोक टोक विचरण कर सकता है, घूमने की स्वतंत्रता है। तो किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से, निर्बाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम नहीं घूम सकते। ये स्वतंत्रता है कि हम किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से विचरण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनका, जिनमें हम इसके तहत भी प्रवेश नहीं कर सकते, जैसे जैसे सेना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सेना क्षेत्र में नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं क्या, हम आर्मी एरिया में जा सके कि भाई घूम लम दे, हमने नहीं जाने ना, सीधा कार्ड कहाँ है, एंट्री तब होती है गेट पे, गेट पास है तो एंट्री है, नहीं है तो नहीं है, सेना क्षेत्र में नहीं जा सकते। दूसरा रक्षा अनुसंधान क्षेत्र, हम जा सकते हैं क्या, हम जाएं इसरो में भीतर जले जान देंगे, नहीं जाने। ठीक है, कि रक्षा अनुसंधान क्षेत्र को छोड़कर, ध्यान रखना कि इनको छोड़कर भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी जगह पर स्वतंत्र रूप से बिना रोक टोक विचरण कर सकता है, यानी हमें घूमने फिरने की आजादी, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। आज हम मुंबई जा सकते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी पहले घूमने के लिए तो पहले भी जाते थे, वैष्णो देवी के दर्शन नहीं होते, जाते थे ना, तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता तो थी, लेकिन पहले वहां रहने व बसने की नहीं थी। लेकिन अब वो भी अभी चालू है क्योंकि धारा 370 हट चुकी है, तो वो चीज आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे इसमें अनुच्छेद 19D में तो थी विचरण करने की स्वतंत्र, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है कि मैं यहां से बैठो नदवई रेलवे स्टेशन से और नीचे चले जाओ तुम कन्याकुमारी तक, ऊपर जम्मू कश्मीर तक, इधर सिलचर असम तक घुमाओ, इधर पोरबंदर गुजरात तक घुमाओ, पूरे देश में कहीं भी घूम के आए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, है क्या, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। लेकिन कौन से क्षेत्रों में नहीं जा सकते, सेना व रक्षा अनुसंधान क्षेत्रों को छोड़कर। कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता है, डी, अनुच्छेद 19D। इसके बाद देखो अनुच्छेद 19E, पांचवी आ गए, अनुच्छेद 19E में कौन सी स्वतंत्रता है, डी में कौन सी थी, विचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E में है भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने व बसने की स्वतंत्रता, रहने व बसने की स्वतंत्रता, कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं और वहां जाकर निवास कर सकते हैं। पहले यह सुविधा कहां पे नहीं थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी बस सकता है, लेकिन अब धारा 370 हटाने के बाद वहां पर भी ये प्रक्रिया समान हो जाएगी कि आप चाहो तो कहीं पर भी जाएं, कि तुम यहां से तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो तुम तो बंबई जाओ और मुंबई में जाके कैटरीना कैफ के घर की बगल में लेके रह लो, मना थोड़ी ना करे कैटरीना कैफ के तू मेरे यहां क्यों रह रहा है, तो रह सकते हैं। तो स्वतंत्रता है कौन से अनुच्छेद के तहत, 19E के तहत। इसके बाद देखो अनुच्छेद 19 क्या आएगा, एफ,
और अनुच्छेद 19 जी हो गई ना सात, क्योंकि प्रारंभ में कितनी थी सात। तो देखो अनुच्छेद 19 एफ में थी संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, कि संपत्ति अर्जन स्वतंत्र अर्जन की स्वतंत्रता ये थी पहले हमारे पास, कि हम स्वतंत्र जो हमारी जो संपत्ति है ना वो हमारी है। लेकिन 44 में संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, क्यों इसे मूल अधिकारों में से हटा दिया गया। तो अब यहां से ये भी हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो मूल अधिकार चल रहे हैं, तो यह क्रॉस। इसके बाद लास्ट हमारी जो बची है वो अनुच्छेद 19 जी में आ जाएगी, और अनुच्छेद 19 जी में कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है, अनुच्छेद 19 जी में दे रखी है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी पसंद का कोई भी रोजगार उद्योग धंधा कर सकता है। ध्यान रखना है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी पसंद का कोई उद्योग धंधा या रोजगार कर सकता है, स्वतंत्रता है। आज कोचिंग चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई समस्या नहीं, कल को डाउन हो जाए पता नहीं है, तो ये थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं करूं, मैं भी तो कुछ कर सकता हूं। कोई भी अपनी पसंद का कोई भी रोजगार धंधा कुछ भी कर सकता हूं भाई। गर्मियों में जूस का ठेला लगा लो, कोई रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा। शीतकालीन में मूंगफली की चलन दो ठेला। तो मतलब ये है कि अपनी पसंद का कोई भी रोजगार उद्योग धंधा किया जा सकता है। उत्तम तो वही काजल बिंदी दुकान खोलोगे, इसको तो लिपस्टिक बेचनी है ना। तो ध्यान रख, कोई रोक टोक नहीं है, टेंशन मत करना। तो अपनी पसंद का कोई भी रोजगार उद्योग धंधा किया जा सकता है। आगे समझ में, ये कौन सा अनुच्छेद कंप्लीट हो गया आपका 19 में। कोई समस्या किसी को, ये ध्यान रखना कई किताबों में सीधा के आ जाता है अनुच्छेद 19 ई के बाद अनुच्छेद 19 एफ, और डायरेक्टली क्या लिखा देते हैं जी, इसको मिलता ही नहीं, क्योंकि पहले था हटा दिया गया, लेकिन क्रम तो रहेगा ना वही। तो पहले ये 19 जी में था, तो आज भी 19 जी में, यह ध्यान रखना एफ खत्म, एफ खत्म। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद हो गया 19 के बाद। हम देखेंगे अनुच्छेद 19 के बाद में कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद 20। देखो अनुच्छेद 20 में क्या दे रखा है, कंप्लीट कर लेते हैं आज इनको। अनुच्छेद 20 में देखो क्या दे रखा है भाई, अनुच्छेद 20 देखो, अनुच्छेद 20 में दे रखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या दे रखा है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। समझो इसको, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद में है। अब इसके तहत मतलब क्या है इसका, देखो इसमें क्या आता है, अनुच्छेद 20 का सीधा सीधा सा मतलब हो जाता है दोष सिद्धि के संबंध में। मतलब जब तक किसी भी अपराधी पर दोष सिद्ध नहीं होता है, यानी एक तो होता है कि आरोप और एक होता है दोष सिद्ध हो गया। तो जब तक किसी भी व्यक्ति पर आरोहण दोष सिद्ध नहीं होता है, तब तक उसे स्वतंत्रताएं मिलती रहेंगी। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 20 के तहत, उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहली तो ये कि इस अनुच्छेद के तहत जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है वो ये है कि अपराध करते वक्त जो कानून था वही रहेगा, बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा। इस अनुच्छेद के तहत हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई है। तो नंबर एक पहली स्वतंत्रता तो यह है कि अपराध करते समय, यानी जब किसी ने अपराध किया तो उस समय जो कानून था वही लागू रहेगा। अपराध करते समय जो कानून था वही लागू रहेगा, यानी बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा। यानी किसी ने कोई अपराध किया 2010 में, और 2010 में मान के चले तो उस अपराध की सजा थी 4 साल, और उसके बाद में अब उसने अपराध किया था लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया था, उसमें सिद्ध नहीं हुआ। मान के चलो किसी ने किसी का मर्डर किया 2010 में किसी का, लेकिन कोई गवाही नहीं था, गवाह नहीं मिला कि भाई इसी ने किया है, किसको सजा दी जाए। तो तब से वो चल के केस चल रहा है, और मान के चलो उस परिस्थिति में उसको सजा होनी थी कितने वर्ष की 7 वर्ष की मान लेते हैं, कि उस समय 2010 में अगर वो सीधा सिद्ध हो जाता तो 7 वर्ष की थी, लेकिन वो चल रहा है अभी तक केस। और 2019 में कोई गवाह मिल गया कि साहब मेरे सामने इसकी हत्या की है,
और कुछ समय पहले ही वो कानून बदल दिया गया जो 7 साल की सजा थी वो बढ़ा के 14 की कर दी। और अब 2019 में उसका केस हुआ है कि भाई गवाह मिल गया, इस ये अपराध सिद्ध हो गया, तो अब उसको कितने वर्ष की सजा उसी वक्त की मिलेगी जब अपराध किया था, तब कौन सी सजा थी, आगे समझ में। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत बात हो रही है यहाँ, अनुच्छेद 20 के तहत, कि अपराध करते समय जो कानून था वो लागू रहेगा, बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा इसके तहत दूसरी स्वतंत्रता कौन सी मिलती है, दूसरी स्वतंत्रता है कि एक अपराध के लिए, समझना यहां पे, कि एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान होगा, एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान होगा, लेकिन न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को एक से अधिक बार, न्यायालय द्वारा एक से अधिक बार अभियोजित किया जा सकता है। समझ रहे हो इसको, कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते, लेकिन न्यायालय द्वारा उसे एक से अधिक बार बुलाया जा सकता है। अरे कोर्ट में तारीखें चलती है नहीं चलती, हर महीने पे तारीख है, हर 2 महीने पे तारीख है, केस तो वही है ना, न्यायालय में उसे बार बार बुलाना पड़ रहा है। अब मान के चलो उसे उस टाइम पे गिरफ्तार किया गया था और उसको 7 साल की सजा हुई थी और वो 4 साल की सजा काट चुका, उसके बाद उसे जमानत मिल गई, लेकिन केस तो खत्म थोड़ी हुआ है, केस तो चल रहा है ना, तो न्यायालय में सुनवाई चल रही है। और 10 साल बाद भी अगर वो केस हार गया और विपक्ष जो है वो जीत गया तो उसे सजा बरकरार रखी जाएगी जो 7 साल की थी, तो अब उसे कितने की देनी है, 3 की, क्योंकि 4 वो काट चुका है। ये नहीं कि दोबारा से उसे 7 साल दे दिए जाए, नहीं होगी, आगे समझ में कि नहीं है। इसका अर्थ वो ये कि एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकेगी, लेकिन न्यायालय द्वारा उसे एक से अधिक बार बुलाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है ये, 20, ध्यान रखते हुए चलना, इंपॉर्टेंट चीज बता चल रही है ये। तीसरी इसकी स्वतंत्रता देखो, अनुच्छेद 20 के तहत तीसरी और कौन सी चीज है, अनुच्छेद 20 के तहत तीसरी चीज ये दे रखी है कि गिरफ्तार जो व्यक्ति हुआ है, गिरफ्तार होने वाला जो व्यक्ति है उसे, यानी अपने जो वकील है ना उससे, सॉरी जो व्यक्ति जिसपे अपराध सिद्ध होना है, जो व्यक्ति उस पे अपराध सिद्ध होना है, उस व्यक्ति को खुद के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो सीधी सी बात है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाए। ये स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दे रखी हैं, बोलो कौन से में, 20 में क्या दे रखा है, दोष सिद्धि के संबंध में तो संरक्षण मिला है कि नहीं मिला है, मिला हुआ है कि अपराध करते समय जो कानून था वो लागू रहेगा, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन न्यायालय द्वारा उसे एक से अधिक बार अभियोजित किया जा सकता है और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो इससे पहले हमने और कौन सा अनुच्छेद पढ़ा था, अभी 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, वर्तमान में 6 और इससे पहले कितनी थी, 7। इसी अनुच्छेद 19 में, वहां पे लिखा देंगे हम कि इसी अनुच्छेद 19 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था और वो अनुच्छेद जोड़ा था 19 के, कौन सा 19 के में, यानी कि कौन सी चीज जोड़ी हुई है, ये आया था आपके राजस्थान पुलिस में आया हुआ था ये 19 के वाला प्रश्न, के 19 के हमने 19 तो पढ़ ही लिया, 19 में हमने 7 स्वतंत्रता देखी जिनमें से एक हटा दी गई, उस अनुच्छेद 19 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा था और वो अनुच्छेद था कौन सा, 19 के, और इस 19 के में सूचना का अधिकार था, कौन सा अधिकार था, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राजस्थान पुलिस में यही प्रश्न था, सूचना का अधिकार किसके प्रयासों से लागू हुआ, अरुणा राय, ठीक है, किसके प्रयासों से लागू हुआ, अरुणा राय, ध्यान रखना। और यह सूचना का जो अधिकार है ये कब से लागू किया गया, अप्रैल 2005 से, कौन से कब से लागू किया गया, तो ये ध्यान रखना है अप्रैल 2005 से, ये आएगा आपका अनुच्छेद 19 के, ये ध्यान रखना है, 19 किया हमने, 19 में नया अनुच्छेद है 19 के, 19 के में क्या जोड़ा हुआ है,
सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई कब से लागू है? अप्रैल 2005 से। किसके प्रयासों से लागू? ये राजस्थान पुलिस का ही था। तो 19 कंप्लीट हो चुका, 20 कंप्लीट हो गया। 19 और 20 के बाद अगला कौन सा मूल अधिकार आएगा, बहुत फटाफट बोलो। 20 के बाद 21। देखो 21 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है वो देखना है। देखे अनुच्छेद, तो देखो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 20 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 21 पर। देखो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान रखना। 20 और 21 से एक क्वेश्चन सिमिलर आना है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समझते चलो इनको, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या हम इसे एक दूसरे नाम से और जानते हैं, इसे कौन से नाम से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह भी ध्यान रखना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कौन से अनुच्छेद में है, बोलो 21 में। अब देखो इसमें क्या है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसे तो हम ले लें इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु का अधिकार। वर्तमान में भारत संविधान के तहत इसको क्या किया गया है, बंद कर दिया गया, ठीक है। यहां पे इच्छा मृत्यु नहीं ले सकता, कोई प्रावधान नहीं है भारत में इच्छा मृत्यु का, किसी भी परिस्थिति में इच्छा मृत्यु पर रोक लगी हुई है। इसके बाद में देखो इसके बारे में हम देखें, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसमें जो मूल अधिकार है भारतीय नागरिकों को, वह भारतीय नागरिकों का पर्सनली है, व्यक्तिगत आ गया, वो पर्सनली मूल अधिकार है। इसका मतलब देखो पर्सनली या पर्सनली मेरा है, मेरी जब इच्छा होगी जब मैं नहाऊं, मेरी जब इच्छा होगी जब मैं सोऊं, मेरी जब इच्छा होगी जब मैं खाना खाऊं, कोई पर्सनली कर सकता है, नहीं कर सकता। ये नहीं कि कोई नियम बना दिया जाए, है ये ध्यान रहे कि ये जो अनुच्छेद 20 है, और इससे पहले हमने पढ़ा है अनुच्छेद 20 और ये 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दो ऐसे मूल अधिकार है, समझो, ये दो ऐसे मूल अधिकार हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर दिया जाता है। सबसे पहले कौन सा मूल अधिकार निलंबित होता है, 19, जो 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थे, ये सबसे पहले निलंबित होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में कौन कौन से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये न्यायपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये न्यायपालिका से संबंधित है, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र। न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसमें इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये कैसा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे समझ में नहीं आई, तो ये दो ध्यान रखना है, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते, 20 और 21। सबसे पहले कौन सा निलंबित होता है, अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित किया जाता है। ये हो गया आपका 21। इसके बाद देखो अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या दे रखा है, समझो इधर, अनुच्छेद 22 में दे रखा है गिरफ्तारी संबंधी निवारक अधिनियम। कौन सा दे रखा है, गिरफ्तारी संबंधी निवारक अधिनियम। इसमें क्या है, ये देखो, जैसे हमने अनुच्छेद 20 में किए थे ना, ऐसे इसमें आ जाते हैं। गिरफ्तारी संबंधी निवारक अधिनियम का मतलब, इसके तहत भारतीय नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इस अधिकार के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को भी स्वतंत्रता है, जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा उसको भी स्वतंत्रता है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है वो देखो, सबसे पहली स्वतंत्रता आती है इसमें कि बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाए, ठीक है, कि बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं होगा, गिरफ्तार नहीं होगा, यानी गिरफ्तार करने से पहले क्या बताना पड़ेगा, तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को कारण बताना पड़ेगा कि आपको इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल घात लगाए बैठे हो और आ रहा है और एकदम से टूट पड़े और बांध गए और ले गए, हैं? तुमने देखा होगा पहले पुरानी मूवी आती थी, पुरानी पिक्चर देखी है, ठीक है, गिरफ्तार करने जाते थे
पहले उसको एक बताते थे कि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है, और फिर यहां से अपने वो निकालते थे गतकड़ी को, यू आर अंडर अरेस्ट। पहले जुर्म बताया, उसके बाद उसे गिरफ्तार। तो कारण जब तक नहीं बताएंगे जब तक क्या नहीं किया जा सकता। कौन से अनुच्छेद के तहत है ये? अनुच्छेद 22 के तहत। स्वतंत्रता है गिरफ्तारी संबंधी में, तो बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं हो सकता। दूसरा, बिना न्यायालय की अनुमति के 24 घंटे से अधिक, न्यायालय की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा, मतलब कि आपको गिरफ्तार करने के अगले 24 घंटों के अंदर अंदर आपको कहां पेश करना पड़ेगा? न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अगर ये मान के चलो कि कोई अपराधी नदबई से अपराध करके भागा और वो मुंबई में पकड़ा गया, तो मुंबई से यहां तक आने में तो उसे बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, फिर 24 घंटे कैसे काउंटिंग होंगे? तो ध्यान रखना, जिस न्याय क्षेत्र में उसे लेकर जाना है, जिस न्यायालय क्षेत्र में उसे लेकर जाना है ना, जहां से उस न्यायालय का क्षेत्र चालू होता है, प्रारंभ होता है, सीमा प्रारंभ होती है, सीमा में एंट्री करने के अगले 24 घंटे काउंट होते हैं। आगे समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कहीं से भी पकड़ के लाए 24 घंटे ज्यादा रख लियो सब उल्टा केस कर दूंगा मैं। तो जब न्याय क्षेत्र की सीमा प्रारंभ होती है, अब आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है कि अब अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहां पेश करना पड़ेगा? न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अगर न्यायालय में पेश नहीं किया तो फिर उल्टा हो सकता है। तीसरी स्वतंत्रता कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का, वकील से परामर्श, कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श लेने और उसे परामर्श देने का अधिकार होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? 22। तो 22 के तहत ये निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा, और यानी वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा। कितने मूल अधिकार हो गए आपके? 2। ठीक है, एक समानता का मूल अधिकार और दूसरा कौन सा हो गया? स्वतंत्रता का। अब देखो तीसरा मूल अधिकार, अब फ्री हो जाते हैं। देखिए तीसरा जो मूल अधिकार है, तीसरा मूल अधिकार कौन सा है बोलो? शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम। ठीक है, कि शोषण के विरुद्ध अधिनियम कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है बोलो फटाफट? अनुच्छेद 23-24। देखो अनुच्छेद 23-24 में क्या दे रखा है, अब देखते हैं अनुच्छेद 23-24 में। यहां पर बात करते हैं अपन अनुच्छेद 23 की, और यहां पर बात कर लेते हैं अपन अनुच्छेद 24 की। देखो अनुच्छेद 23 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 23 में यानी दे रखा है कि एक तो यहां पे बेगार लेने पर रोक, किस पर रोक लगा रखी है? कि बेगार लेने पर रोक, और दूसरा मानव के दुर्व्यापार पर रोक। तो ध्यान रखना इसमें किस पे रोक है, तो मानव के, बात नहीं इधर समझो, मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार एवं बेगार लेने पर रोक। अच्छा ये बताओ मानव का दुर्व्यापार है, समझे? मानव का दुर्व्यापार, मानव का तो व्यापार हो ही नहीं सकता, ये तो जो होगा वो दुर्व्यापार में आएगा। मानव तस्करी तुमने सुनी है ना, बच्चों को ले जाते उठा के बेच दिया, ये तस्करी है, बच्चों की तस्करी, मानव का व्यापार नहीं होता कभी भी, ये हमेशा दुर्व्यापार में आना है। ठीक है, तो इस पर रोक है कौन से अनुच्छेद के तहत? अरे सीधा सा मतलब है कोई को बिहाना है रोगाम में, हैं? तो बीच में आ जाए ना कल्लेन दलाल के, लंबू दे 1,00,000 कल्ले, जैसे तुम दे करो 1,00,000 दे, तैयार हूं पर ब्याह करवा दो, हैं? कि लाए 1,00,000 गए बिहार बंगाल उधर से हो जाते हमारे क्षेत्र में, और वहां से लाए और ये क्या करिए, वहां से खरीदी यहां पर बेची, यही होता है। इस पे रोक लगी हुई है, कानूनन अपराध है, ध्यान रखना कौन से अनुच्छेद के तहत, और इसी में लगा हुआ है। देखो बेगार लेने पर रोक, बेगार लेने पर मतलब बिना मेहनताने के मजदूरी करवाना, ये क्या कहलाता है? मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, मजदूरी करवाई जा रही है, इस पर रोक लगाई गई है कौन से अनुच्छेद के तहत? और अनुच्छेद 24 कहता है कि अनुच्छेद 24 कह रहा है बाल श्रम पर रोक, मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं, अगर उन पर कोई मेहनत मजदूरी करवाता है तो कानूनन अपराध है। बाल श्रम पर रोक कौन से अनुच्छेद के तहत लगी हुई है? अब मुझे बताओ यहाँ ये बाल श्रम लिखा है, अगर मैं बाल श्रम की जगह वो यहाँ पे पूछ ले बलात् श्रम पर रोक, तो कोई अंतर, कोई दिक्कत?
या गलत कर दोगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर वो प्रश्न पूछ रहा है बाल श्रम पर रोक, तो बाल श्रम का मतलब है बालकन पे श्रम करवाया जा रहा है, रोक है तो कौन से अनुच्छेद में, लेकिन यह बाल की जगह उसने क्या लगा दिया, बलात् श्रम पर रोक, बलपूर्वक श्रम करवाया जा रहा है, बलात् श्रम हो गया बेगार लेना, मजदूरी करवाई जा रही है, बलपूर्वक मजदूरी करवाई जा रही है, दोनों अलग अलग हैं। बाल श्रम पूछे तो आंसर क्या दोगे, और बलात् श्रम पूछ ले तो क्लियर है ना, ये दोनों अलग अलग हैं, कहीं जल्दबाजी में कर आए कि बोल तो है बस कर चल इसी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा अधिकार। चौथा देखो फटाफट बोलो, चौथा कौन सा मूल अधिकार है, कौन सा है मूल अधिकार चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समझो इसको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, 25 से लेकर 28 तक। आ जाओ इधर, 25 से 28 तक है तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है समझ लो, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि किसी भी धर्म के अंदर रहकर किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है तो किसी भी धर्म के अंदर रहते हुए किसी भी अन्य धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी कि मैं कह सकता हूं धार्मिक प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, कि धार्मिक प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, 25 में, 25 के बाद कौन सा आएगा, 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन किया जा सकता है, या धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। अब धार्मिक संस्थाओं का मतलब, धार्मिक संस्था की स्थापना, अरे अपन लोकल उदाहरण ले लेते हैं, तुमने देखा होगा गायत्री पीठ, देखिए गायत्री पीठ देखा है ना, तो ये क्या है, एक धार्मिक संस्था है, सरकार से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये खुद के सामूहिक संस्था है जो लोगों के द्वारा बनाई गई है, एक ट्रस्ट है, ये गांव-गांव जाती है, शहर-शहर जाती है, वहां पे शुद्धिकरण आदि के लिए हवन वगैरह करती है और वहीं से इसको कुछ चंदा मिल जाता है, भाई हमारे गांव में आई, हमारे शहर में आए, सबने किसी ने 50 दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 100 दिए, उनके लिए इकट्ठा हो गया, उसी से वो अपनी कमेटी अपनी संस्था का संचालन कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में है ये, तो धार्मिक संस्था की स्थापना व उसका संचालन किया जा सकता है, इसकी स्वतंत्रता है हमें धार्मिक स्वतंत्रता में, कौन से अनुच्छेद के तहत। अब 26 के बाद कौन सा आ गया बोलो फटाफट, 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक जो कार्य है, ठीक है, कि धार्मिक जो कार्य है, धार्मिक कार्यों में खर्च होने वाले धन पर, समझो यहां, धार्मिक कार्यों में खर्च होने वाले धन पर कर नहीं लिया, कि कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य का आयोजन कर रहा है तो उसमें लगने वाला जो धन है वो टैक्स रहित होगा। तुमने देखा ना गोवर्धन परिक्रमा में भंडारे, वे वैसी ना लगे रहे कि धर्मार्थ लग रहे हुए, वो अपने टैक्स से बचावे को लग रहे, दो दिन भंडारा किया, 2 लाख खर्च कर दिए, 100 कर दिया 6 लाख, कि मैंने 6 लाख कर दियो, है कि नहीं, गौशालाओं में जाते हैं, गौशाला में दान करें हमें, है ना, कि ले साहब 5 लाख की पर्ची काट दे, हम 2 लाख दे देंगे, अरे यार गाय गई आनते तो पूछ भी बैठो ना है कोई, कि भाई तेने बादना खाओ चारा खायो कि ना खायो, गई आयो ना, क्योंकि मैं तो मंगलवार को व्रत रहूं, है कि नहीं। तो ये क्या है, धार्मिक कार्यों में खर्च होने वाले धन को किससे मुक्त रखा जाएगा, कर से, कौन से अनुच्छेद में। अब लास्ट कौन सा बचा है इसमें बोलो फटाफट, 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधि, मतलब सरकार, राज्य निधि से पोषित संस्था, राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ध्यान रखो कि ऐसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा पोषित हों, उन धार्मिक ऐसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा पोषित हों, सरकारी खर्च से चल रही हों, उनमें क्या नहीं दिया जा सकता, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, जलाकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसके कौन से अनुच्छेद में है ये, अब सीधा सा मतलब अपन लेके चले, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, ये तार लगेंगे यहां से पीछे से बोर्ड में, तो अगर यहां पे देखे तो सरकारी स्कूल है,
अब सरकारी स्कूलों में क्या नहीं दी जा सकती है? अब ये नहीं है कि सब साइंस का टीचर है और वो आके बोल ले कि भाई आज तुम रामायण पढ़ेंगे, नहीं दी जा सकती स्कूल में, ये चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती। थोड़ी देर बाद अगर कोई मुसलमान वो है मुस्लिम टीचर है और वो आ जाए कि अब तुम निकाल लो कुरान पढ़ाओ, है ये नहीं दे जा सकती, क्योंकि उस विद्यालय में, उस क्षेत्र में, इस संस्था में सारे वर्गों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, तो वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन से अनुच्छेद के तहत है ये? 28। कितने मूल अधिकार हो गए आपके? अब बचे को कितने? देखो अभी फ्री कर लेते हैं इनको, एक अनुच्छेद 32 है, वो बड़ा है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो डालेंगे उसकी, देखें वहां तक बता देते हैं पर आज, उसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो पांचवा मूल अधिकार कौन सा है, फटाफट बोल दो। पांचवा मूल अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, समझो इसको, शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार, और शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार अनुच्छेद 29-30, समझ लो भाई। इधर देखो अनुच्छेद 29 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कौन से अनुच्छेद के तहत? देखो यहां पे, अब अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अब यहां को मतलब समझ रहे हो? तो ऐसे वर्ग जो अल्पसंख्यक हैं, भारत में अल्पसंख्यक वर्ग में हमें हिंदू ने छोड़ के, सब हिंदुओं को छोड़ दो, सब आ जाएंगे, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कैसे हैं? अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं ये, यानी कि इनके जो हित हैं इनका संरक्षण सरकार करेगी, ये संविधान में लिखित है। इसके बाद लास्ट अपन देखे इसमें, तो कौन सा आ गया भैया? अनुच्छेद 30, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इसको समझो कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, हमने अनुच्छेद 26 पढ़ा था ना, अब उसी से संबंधित चाहिए, ध्यान रखना है इसको, कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा व रुचि, अपनी भाषा व रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। किसकी स्थापना? कि अपनी भाषा व रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की क्या कर सकते हैं? जैसे मुसलमान जो हैं वो मदरसे, ना, ईसाई हैं वो मिशनरियों की स्थापना, उनकी शिक्षण संस्थाएं थी ये, ठीक है। तो इस तरीके की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मैंने अनुच्छेद 26 में लिखा है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा और रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। कोई दिक्कत भाई साहब यहां तक? लास्ट कौन सा मूल अधिकार बच रहा है हमारे पास? लास्ट कौन सा बच रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का तो खत्म ही हो गया, अब यही तो बचा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये है अनुच्छेद 32 में। 31 संपत्ति का था, क्रॉस कर दे, अनुच्छेद 32 में किसका अधिकार दे रखा है बोलो? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने एक नाम दिया, या फिर देखो अब एक ही अनुच्छेद है इसमें, या तो मैं जिस जगह पे अनुच्छेद 32 का उपयोग कर रहा हूं उसका मतलब क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिस जगह पे मैं इसका उपयोग कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 32, बात तो एक ही है ना। तो मैं ये कहूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का प्रहरी, ठीक है, कि भारतीय संविधान का क्या कहा है? प्रहरी कहा है, या भारतीय संविधान का रक्षक कहा है, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का प्रहरी या रक्षक, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय व भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मूल अधिकार को मूल अधिकारों का प्रहरी या मूल अधिकारों का रक्षक कहा है? अनुच्छेद 32।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को या किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, तो भी आंसर क्या आएगा, या तो 32 कह दो या फिर ये कह दो। बात एक ही है ना, इस मूल अधिकार के तहत ये जो अनुच्छेद 32 है, ध्यान रखो अनुच्छेद 32 के तहत ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार रखता है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अगर ये सर्वोच्च न्यायालय इन रिटों को जारी करेगा, इन लेखों को जारी करेगा, तो कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? और अगर उच्च न्यायालय, ये ध्यान रखो, अगर उच्च न्यायालय इन रिटों को जारी करेगा तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? 226। इन रिटों को सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? और अगर उच्च न्यायालय इस 5 प्रकार के रिटों को जारी करेगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? अब ये 5 प्रकार की जो लेख हैं ये कराएंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है, कि ये नेक्स्ट में आ जाएंगे 5 प्रकार के लेख। पिछली बार जेल प्रहरी में प्रश्न पूछा गया था परमादेश से, ठीक है, तो 5 प्रकार के लेख हैं, इन 5 प्रकार के लेखों को करेंगे और आपका कौन सा टॉपिक खत्म? मौलिक अधिकार टॉपिक खत्म। किसी को कोई समस्या मौलिक अधिकारों में, रट जाना यहीं पे, ठीक है, सारे मौलिक अधिकार आपके क्लियर कट हैं।